हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम कंप्यूटर का जीएस लेकर के हाजिर हैं आपके सामने। और कंप्यूटर के जीएस के पार्ट में आज ये हमारा लेक्चर 4 है। और पीछे वाले लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो आपको इस लेक्चर की आवश्यकता पड़ेगी, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि यूपी टेट में भी एक क्वेश्चन रखा था इससे, किसे जो इस समय हम पढ़ाने जा रहे हैं। आरओ पीसीएस सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी यूनिट। आज का टॉपिक क्या है हमारा? मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब मेमोरी यूनिट क्या होते हैं इस बारे में जानते हैं। कंप्यूटर जो भी काम करता है या जो भी करता है उसका क्या करता है, एक रिकॉर्ड अपने पास स्टोर करके रखता है। जो रिकॉर्ड स्टोर करके रखता है उसे ही स्टोरेज कहते हैं। अब स्टोरेज में जो डेटा रिकॉर्ड करता है या स्टोर करता है वो किस यूनिट में करता है, पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि वो किस में करता है, बाइट में करता है। क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि ये एमबी और जीबी में डेटा दिखाता है, और क्या कहते हैं जो हमारी मेमोरी होती है, रैम होती है, वो भी एमबी या जीबी में होती है। तो इसलिए आप लोग अगर सोच रहे हो कि ये एमबी या जीबी में डेटा रिकॉर्ड करता है तो ऐसा नहीं है। ये डेटा किस में अपना स्टोर करता है, ये स्टोर करता है बाइट में। ठीक है, अब पहली अगर स्टोरेज, सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट की बात करते हैं तो वो क्या होता है, बिट होता है। बिट होता है, बिट के बारे में आप जानते हैं कि एक मान लीजिए कि कोई सर्किट है, आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, और मान लीजिए इसमें कोई बल्ब लगा दिया जाए और इससे करंट फ्लो की जाए, और करंट अगर जो करंट फ्लो की जा रही है, अगर ये करंट क्या हो, ये करंट अगर इससे पास होगी, अगर इससे पास होगी जो ये मान लीजिए बल्ब लगा है, ये करंट अगर इससे पास होगी तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। तो इसका रिकॉर्ड क्या आएगा, 1। अगर ये नहीं जला तो रिकॉर्ड क्या आएगा, 0। इसका मतलब होता है ट्रू, इसका मतलब होता है फॉल्स। यानी कि या तो करंट या डेटा उस जगह से पास हुआ होगा वैल्यू, या तो फिर नहीं पास हुई होगी। तो दो ही वैल्यू आती हैं, वो ट्रू और फॉल्स जानता है कंप्यूटर। तो उसी को एक बिट कहते हैं, यानी कि एक बिट डेटा जो एक बार या तो वैल्यू सही हो या फिर गलत हो, उसी को एक बिट, और उसे 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी डिजिट में। ठीक है, अब उसके बाद एक यूनिट होती है 1 निबल। 1 निबल जो होता है किसके बराबर होगा, 4 बिट के बराबर। यानी कि वो बाइट और बिट के मध्य की यूनिट होती है। क्या? 1 निबल। जो 1 निबल बाइट और बिट के मध्य की यूनिट होती है वो 4 बिट के बराबर होती है। अब आती है जहां से स्टोरेज शुरू होता है, 1 बाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है, 8 बिट। कभी कभी निबल में पूछ लेता है तो कितने निबल हो जाएगा, 2 निबल हो जाएगा। फिर इससे बड़ी यूनिट आती है 1 KB। 1 KB का मतलब 1 KB। 1 KB में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट, या 1024 बाइट को 2 की पावर 10 बाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 की पावर 10 बाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब उससे बड़ी यूनिट आती है 1 MB। 1 MB किसके बराबर होती है, 1 MB बराबर होती है 1024 KB, यानी कि 1024 KB को, 1024 KB को हम क्या कहते हैं, 1 MB कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 MB या 1 MB कहते हैं। ठीक, अब अगर 1 GB की बात करें, उससे बड़ी यूनिट क्या होती है, 1 GB। 1 GB में कितना होता है, 1024 MB। कितना होता है, 1024 MB होता है। और इसे क्या कहते हैं, गीगाबाइट। इसे क्या कहते हैं, गीगाबाइट। मीन्स 1 GB में कितने, 1024 MB होते हैं, या इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर 10 MB होते हैं। तो और कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि इसे क्या 1000 भी लिख देता है अराउंड में, ये भी सही माना जाता है। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन हमारा कैसा दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो होती है उसकी वो 1024 होती है। तो जो एक्चुअल वैल्यू है उसी को हम लोग देखते हैं। इससे जीबी से बड़ी जब यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 TB। जीबी से बड़ी यूनिट की बात करते हैं तो क्या आता है, 1 TB। और 1 TB कितने के बराबर होता है, 1024 GB। किसके बराबर होता है, 1024 GB के बराबर होता है। ठीक है, अब टेरा बाइट से भी बड़ी यूनिट आने लगी, पेंटा बाइट।
एक पेंटाबाइट कितने के बराबर होता है? 10 से 24 TB के बराबर, टेराबाइट के बराबर होता है। अब टेराबाइट से भी जो पेंटाबाइट है उससे भी बड़ी इस समय यूनिट आने लगी है, और उसे क्या कहते हैं? एक्साबाइट। क्या कहते हैं? एक्साबाइट। और एक्साबाइट किसके बराबर होती है? 10 से 24 पेंटाबाइट के बराबर होती है। ठीक। अब इस समय, वर्तमान समय में स्टोरेज क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है, और 1 ZB, कितना? 1 ZB, मतलब एक जो ZB होता है वो किसके बराबर होता है? 1024। किसके बराबर होता है? 1024 एक्साबाइट। किसके बराबर होता है? 10 से 24 एक्साबाइट। ठीक। इसको क्या कहते हैं कि जो 1024 एक्साबाइट है, इसको YB, सॉरी, योटा बाइट लिखेंगे। वो गलत लिख गया था। किससे लिख गया? 1 योटा बाइट बराबर 1024, क्या हमारा एक्साबाइट। अब एक और यूनिट उससे बड़ी आई है, 1 ब्रंटो। 1 ब्रंटो किसके बराबर होता है? 1024 योटा बाइट के। किसके बराबर होता है? 1024 योटा बाइट, या 2 की पावर 10 योटा बाइट, जिसके भी बराबर आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी यूनिट थी, किसकी? स्टोरेज की। और सबसे लास्ट यूनिट है बड़ी से बड़ी, वो क्या है? 1 GOP। 1 GOP किसके बराबर होता है? 1024 ब्रेंटो के बराबर होता है। किसके बराबर? 1024 ब्रेंटो के बराबर होता है। ठीक। तो ये थे हमारे कुछ मेमोरी यूनिट जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि अगर KB दिया हो, MB दिया हो, TB दिया हो और GB दिया हो, अगर ये सब दिए हो तो आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। या तो ये पूछेगा, या पूछेगा कौन सबसे छोटा है, या ये पूछेगा। ये कहेगा या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, या फिर कहेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो आप जानते हैं कि KB जो होता है वो इनमें सबसे छोटा है। देखो, KB, MB, TB और GB की अगर बात करें तो अभी आपने देखा था पीछे इसमें कि जो MB है इससे भी छोटा क्या है? KB है। तो सबसे पहले क्या? KB। और KB के बाद फिर क्या देखा आपने? MB। MB के बाद GB और TB है। तो इसी क्रम में आप इसे क्या करिए? अरेंज कर दीजिए। इसी क्रम में क्या करिए? अरेंज कर दीजिए। अगर इस क्रम में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा आएगा? ये होगा हमारा KB। अब KB से बड़ा MB, MB से बड़ा GB और GB से बड़ा TB। यानी कि ये किस ऑर्डर में होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या? बढ़ते हुए क्रम में। दूसरा क्वेश्चन एक ऐसा पूछा जाता है कि 2 की पावर 20 किसके बराबर है? क्या कहे? 2 की पावर 20 किसके बराबर है? या यहां लिख दे कि 2 की पावर 20 किसके बराबर है। तो हम एक छोटी यूनिट लेते हैं, पहले देखते हैं 1 KB। क्या देखते हैं? 1 KB किसके बराबर है? 1 KB बराबर है 1024 बाइट के। किसके बराबर है? 1024 बाइट को। और 1024 बाइट को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10 बाइट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10 बाइट। इसी तरह 1 MB को कितना लिख सकते हैं? 1024 KB लिख सकते हैं। और 1 KB को क्या लिख सकते हैं? 1024 क्या लिख सकते हैं? बाइट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1024 बाइट लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ? 1024 बाइट, 1024 बाइट 2 बार हो गए, यानी 2 की पावर 10, क्योंकि हमने यहाँ देखा था किलोबाइट में। 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 20 बाइट। कितना हो गया? 2 की पावर 20 बाइट। इस तरह से हम कोई भी यूनिट दी हो, किसी भी यूनिट को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, छोटे से बड़े ऑर्डर में लगा सकते हैं और बड़े से छोटे ऑर्डर में लगा सकते हैं। सबसे छोटा कौन सा ये बता सकते हैं, सबसे बड़ा कौन सा ये बता सकते हैं। इस समय सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? 1 GOP, जिसे क्या कहते हैं? 10 की पावर 25 ब्रेंटो भी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम कंप्यूटर की यूनिट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दिए। इसके बाद एक चीज आती है, नंबर सिस्टम। क्या आता है कंप्यूटर में? नंबर सिस्टम। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम कंप्यूटर में मैक्सिमम यूज होते हैं। होने को बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन कितने प्रमुख रूप से यूज होते हैं? 4 प्रकार से प्रमुख रूप से यूज होते हैं। सबसे पहला कौन सा? बाइनरी नंबर सिस्टम। सबसे पहला क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम।
जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसमें दो ही अंक होते हैं, 0 और 1, और इसकी बेस क्या होती है, 2, और इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में कहाँ शुरू होते हैं नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर हो गए। तो ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं, 8 नंबर, 0 से लेके 7 तक, ठीक है। और इसकी बेस कितनी होती है, 8 होती है। इसी तरह तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम। तीसरा हमारा क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें 10 नंबर होते हैं, इससे हम भली भांति परिचित हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर होते हैं, 10, कहाँ से लेकर के, 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। अब एक नंबर सिस्टम इससे बड़ा हम पढ़ेंगे, कौन सा, हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल में कितने नंबर होते हैं, जितनी इसकी बेस होती है, बेस कितनी है, 16, तो इसमें कितने नंबर होंगे, 16। इसको लिखेंगे अगर तो इस तरह से लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे ही 10 आता है, मतलब दो नंबर जब हो जाते हैं तो उनको एक नंबर में कन्वर्ट करता है ये, और उसे लिखता है ए, आगे बी, और फिर सी, फिर डी, और फिर ई, और फिर एफ। तो इसमें कितने नंबर हो गए, यहाँ से यहाँ तक लेकर के कितने नंबर हो गए, 15। ये किसको कहते हैं, 10 को। ये किसको कहते हैं, 11 को। ये किसको कहते हैं, 12 को। ये 13 को, और ये 14 को। यानी कि इसमें कुल कितने नंबर हो गए, 16। 16 नंबर को इस तरह से हम लिख सकते हैं या जान सकते हैं। अधिकतर इसी फार्म में आपको लिखे हुए चीज़ें मिलेंगी। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है 1F, किसमें, हेक्साडेसिमल में क्या लिखा है, 1F, तो 1F का मतलब आप समझ रहे होंगे, 1 का मतलब कितना होता है, 1 का मतलब तो 1 ही हो गया, और F का मतलब कितना हो गया, 15, तो कितना हो गया, 115। या कभी कभी कलर कॉम्बिनेशन में आप देखते होंगे कि फाल्स फाल्स, 2 बार FF लिखते हैं, इसका मतलब 2 बार क्या हुआ, 15 15, 2 बार क्या है, 15 15। इस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम चलता है, डेसिमल नंबर सिस्टम चलता है, ऑक्टल और बाइनरी नंबर सिस्टम चलता है, और कंप्यूटर में सारे बहुतायत मात्रा में यूज होते हैं, ठीक। अब मैं आपको ये लिखना सिखाऊंगा कि नंबर को कैसे, जो हमारे नंबर होते हैं 1 से लेकर के 10 तक, इनको अगर बाइनरी में लिखें तो बाइनरी में लिखेंगे तो क्या, 0 को तो 0 ही रहेगा, 0 का क्या रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, लेकिन 2 का क्या हो जाता है, 1 0, 3 को क्या हो जाता है, 1 1, और 4 का 1 0 0, और 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1, 8 का 1 0 0, और 9 का 1 0 0 1, और 10 का 1 0 1 0। इस तरह से हम, ये कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर, इसको हमने किस में लिखा, किस में कन्वर्ट करके लिखा, बाइनरी में। जब बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखा तो इनको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यहां से यहां तक आप जानते हैं इन नंबर को क्या कहते हैं, ऑक्टल नंबर। इन नंबर को क्या कहते हैं, 0 से लेके 7 तक को क्या कहते हैं, ऑक्टल नंबर। और ऑक्टल नंबर को बाइनरी में लिखेंगे तो तीन तीन नंबर को एक साथ लिखेंगे, जैसे 0 को 0 नहीं लिखेंगे, 3 बार 0 लिखेंगे, 1 को 1 नहीं लिखेंगे, उससे पहले 2 0 लगाकर 1 1 लिखेंगे, 2 लिखना है तो 2 को 1 0 नहीं लिखेंगे, 0 1 0 लिखेंगे। ये एक सिस्टम है, ये क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, और ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक। यहाँ से क्या होता है, हेक्सा नंबर सिस्टम शुरू होता है। हेक्सा नंबर सिस्टम में कितने का, इसमें 3 का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें कितने कॉम्बिनेशन होता है, 4 का कॉम्बिनेशन। अगर 0 भी लिखना है तो 4 बार 0 लिखेंगे, 1 लिखना है तो 0 0 1 लिखेंगे, और इसी तरह 2 लिखना है तो 0 0 2 लिखेंगे। तो इस तरह से आपको 8 लिखना है तो 1 0 0 8 लिखेंगे, 9 लिखना है तो ये लिखेंगे, 10 लिखना है तो ये लिखेंगे, 11 लिखना है बाइनरी में तो ये लिखा होगा, लेकिन इसको हेक्सा नंबर में बी कहते हैं, जैसे 10 को ए कहते हैं इसको बी कहते हैं, 1 00 यानी 12 को सी कहते हैं, 1 10 यानी 13 को डी कहते हैं, 1 110 14 को ई कहते हैं, और इस तरह अगर 3 4 बार 1 आ जाता है तो उसे यफ कहते हैं। तो जो FF कलर कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि 4 बार 1 1 ट्रू ट्रू चीजें आपने सिलेक्ट की हैं।
ठीक है। इस तरह से ये कुछ नंबर सिस्टम है, यानी कि अगर इसको 10 तक को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से यहां तक, ऑक्टल को करेंगे तो यहां से यहां तक, हेक्साडेसिमल में करेंगे तो यहां से यहां तक आपको देखने को चीजें मिलेंगी। ठीक, अब ये कैसे आए इनके बारे में देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जन, जब हम एक बेस से दूसरे बेस में कोई चीज परिवर्तित करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, कन्वर्जन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 19 और इसकी बेस 10 है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर लिखा है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा है। किसमें लिखा है, डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा है। और आंसर किसमें चाहता है, ये किसमें चाहता है आंसर, बाइनरी नंबर सिस्टम में चाहता, बेस 2 में चाहता है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो यहाँ लिखा होता है नंबर, इसको 2 से भाग दे देते हैं। सिंपल, अगर 2 से भाग दे देंगे तो कितनी बार भागफल जाएगा, 9 बार, और रिमाइंडर कितना आएगा, 1। फिर 2 से भाग देंगे और कितनी बार जाएगा, 4 बार, और शेषफल कितना आएगा, 1। फिर 2 से भाग देंगे और कितनी बार जाएगा, 2 बार, और शेषफल अब तक कितना आएगा, 0। फिर 2 से भाग देंगे, अब तक कितनी बार जाएगा, 1 बार, और शेषफल कितना आएगा, 0। और फिर 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0, और शेषफल कितना आएगा, 1। जो भी यहाँ आए इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं। इसको क्या करते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं। जब उल्टा करके लिखते हैं तो ये नंबर हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हम किस क्या करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अभी पीछे हमने देखा था, जैसे मान लीजिए 5 लिखा है और 5 को क्या करना है, बाइनरी में चेंज करना है। 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, और शेष कितना बचेगा, 1। फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार, 1 टाइम्स, शेष कितना बचेगा, 0। और फिर 2 से भाग देंगे कि 0 टाइम्स, शेष कितना आया, 1। इसको उल्टा क्रम में लिख देते हैं और यही होता है क्या, 101। और यही किस में हो जाएगा, बाइनरी नंबर में। देखिएगा 101 बाइनरी नंबर में है, देखिए 1015 में आपको मिलेगा। यही कन्वर्ट करके यहाँ पे क्या किया गया है, लिख दिया गया है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप 2-4 एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, किसी भी नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 7 को कन्वर्ट करना चाहते हैं, 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, रिमाइंडर कितना आया आपका, 1। ठीक, फिर 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, और रिमाइंडर कितना आया, 1। फिर 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 0 बार, रिमाइंडर कितना आया, 1। और इसको उल्टा करके लिख दें तो 1 1 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाता, अगर किसी 7 को, ये जो डेसिमल में था, इसको बाइनरी में लिखना होता तो क्या आ जाता, 1 1 1 आ जाता। और आप पीछे जाके देख सकते हैं कि 7 को हम क्या कहते हैं, 1 1 1 कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हम डेसिमल से किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। उसे क्या कहते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कहते हैं। ठीक, तो अभी हम किस में बदल रहे थे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में। एक एग्जाम्पल और आपको करके दिखा देते हैं, देखिए शायद इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास 256 है, कितना है, 256 है, और 256 को हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 256 है और 256 को हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक, ये यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल फॉर्म में 256 लिख लेंगे और इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो कितना आया 256 को, 128, और शेषफल कितना आया, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 6, और कितना आएगा, 8, कितना आएगा, 6 8, और कितना आएगा हमारे पास, सॉरी 6 4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 6 4, और रिमाइंडर कितना आएगा, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3 2, और शेषफल कितना आएगा, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16, और शेषफल कितना आएगा, 0। और फिर इसी तरह क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8, और शेषफल कितना आएगा, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4, शेषफल कितना आएगा, 0।
फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और शेषफल कितना आएगा? 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, शेषफल कितना आएगा? 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो अब ती 0 बार, और शेषफल कितना आएगा? 1। और इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे क्रम में। अगर इसे उल्टे क्रम में लिखेंगे तो आप समझ लीजिए कि क्या लिखेंगे। ये देख लीजिए, उल्टे क्रम में लिखेंगे तो 1 0 0 0 कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा बाइनरी में कन्वर्जन। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब आपको चेक करना है कि ये रिजल्ट सही आया है कि नहीं आया। इसके लिए इसके व्युत्क्रम में जाइए, और उसे क्या कहते हैं? बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन। क्या कहते हैं? बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन। ठीक, अब इसको तब बाइनरी में बेस 2 लिखा होगा और डेसिमल में बेस 10 लिखा होगा। अब इसका मतलब है बाइनरी से हम किस में जा रहे हैं? डेसिमल में। अभी तक हम कहाँ थे? डेसिमल से कहाँ थे? कोई नंबर यहाँ लिखा है, डेसिमल से कहाँ जा रहे थे? बाइनरी में, मतलब हमें ये देखना है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं। तो बाइनरी में देखिए, आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है। कौन सा नंबर लिखा है? ये नंबर लिखा हुआ है, लिखा 11001। और 1100 को हमको किसमें? डेसिमल में बदलना है। अगर डेसिमल में बदलना होता तो क्या करते हैं? जो नंबर यहाँ लिखा होता है पहले उस नंबर को लिख देते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं? 2 की पावर 0 लिख देते हैं। अगर पहला नंबर है, हमेशा कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट चलता है। कैसे चलता है? राइट टू लेफ्ट चलता है। और क्या करेंगे? जो नंबर लिखा होगा सिंपली वो नंबर लिख देंगे, और 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे। फिर जो नंबर लिखा होगा लिख देंगे 2 की पावर 1, मानी एक एक का इंक्रीमेंट 2 वाले में करते जाएंगे। फिर लिखेंगे 1 × 2 की पावर 2, पहले 0 था फिर 1 था फिर 2 आया, फिर यहाँ जो लिखा 1 लिख देंगे, और अब तक कौन सा नंबर आ जाएगा? 3। और इसको क्या करें? चारों को कैलकुलेट कर लें। अब चारों को जब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 होगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और 1 × 2 की पावर 0, किसी भी चर में अगर पावर 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 × 1, वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो इस तरह से इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ गया? 13। इस तरह से रिजल्ट कितना आ गया? 13। तो 13 हमने यहाँ लिख दिया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? बाइनरी टू डेसिमल में। किस में कन्वर्ट हो गया? बाइनरी से डेसिमल में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ना आई हो तो एक दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास नहीं आपको आता कन्वर्जन किससे? बाइनरी से डेसिमल में, तो आप क्या करिए, जो पहले वाला नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, दूसरा नंबर 2 से, तीसरा नंबर 4 से, चौथा नंबर 8 से, पांचवा नंबर 16 से, छठवा नंबर 32 पर, तो इसी को डबल करते चले जाइए। इधर से इधर को क्या करती है? डबल करते चले जाइए। अभी हमारे पास क्या था? ये 13 लिखा हुआ था, और इस 13 का ये डेसिमल में था, और ये बाइनरी कन्वर्जन अभी आपने देखा है। अब क्या करिए, यहाँ 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 है तो 0 के साथ, 4 है तो 1 के साथ, 8 है तो 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 का 4 1 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 का 1 के साथ करेंगे तो 8। इस तरह से भी आपको ये 13 मिल जाएगा, चाहे आप उस मेथड को अप्लाई करिए चाहे आप इस मेथड को अप्लाई करिए। मैंने क्या बताया कि मान लीजिए आपके पास कोई बाइनरी नंबर है, और इस बाइनरी नंबर को आपको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल नंबर में। तो आप देखिए, इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1 × मैंने कितना बताया? 1 प्लस कितना? 1 × 2, फिर कितना बताया? 1 × 4, क्योंकि चौथे तीसरे नंबर पे होगा तो क्या होगा? 4। तो ये कितना आ गया? ये भी आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 + 2 + 1 = क्या आ जाएगा? 7। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया कि जो ये 1 1 1 लिखे हैं, तो इसको पहले 1 लिखिए,
टू की पावर जीरो लिखिए, प्लस वन लिखिए, टू की पावर वन लिखिए, प्लस वन लिखिए और टू की पावर टू लिखिए। यहाँ से भी आ जाएगा फोर प्लस टू और प्लस वन इज इक्वल टू सेवन। आपको ये मेथड समझ में आए तो इससे करिए, ये मेथड समझ में आए तो इससे करिए। जो मेथड आपको समझ में आए आसानी से उससे कर लीजिए। ये रटा रटाया है, तुरंत देखिए, तुरंत मल्टीप्लाई करिए और तुरंत आंसर बता दीजिए, ठीक है? जैसे ये 13 लिखा हुआ था, नंबरों को उसके नीचे ऐसे ऐसे अरेंज करके लिख लीजिए, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, बस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, जहाँ जीरो होगा वो बार जीरो हो जाएंगे, बाकी सीधे जोड़ते हैं आप चले जाइए। अब एक दूसरा कन्वर्जन है डेसिमल टू आक्टल। अगर डेसिमल से आक्टल में बदलना है तो क्या करेंगे, जो भी नंबर लिखा होता है यहाँ और जिस बेस में कन्वर्ट करना होता है उससे भाग देते हैं। किससे? जो बेस यहाँ लगा होता है, जैसे अभी लिखा था टू बेस, तो टू से भाग दे रहे थे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में। यहाँ क्या लिखा? आक्टल। आक्टल में बेस क्या होती है? आठ। तो मतलब किससे भाग देना है? आठ से। अगर आठ से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? दो बार। और शेष कितना बचेगा? एक। शेष कितना बचेगा? तीन। 8 × 2 = 16। शेष कितना बचा? तीन। नहीं, गलत हो गया, सॉरी। ठीक है, क्या है कि 8 का 19 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका? दो बार। कितनी बार जाएगा? दो बार। और कितना शेष बचेगा? तीन बचेगा। और फिर से 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? जीरो बार। और शेष कितना बचेगा? दो। इसको क्या करिए? उल्टा करके लिख दीजिए। इसको क्या करिए? उल्टा करके लिखिए। उल्टा करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। क्या कितना आ जाएगा? 23। अब यहाँ पे क्या करिए, लिख दीजिए आप क्या? 23। यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 23। तो ये क्या हो गया? आक्टल, सॉरी, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। अब कह रहे होंगे कि ये नंबर 19 था और 19 से 23 हो गया। 23 तो है ये, लेकिन ये 23 इस 19 के बराबर है। क्यों बराबर है? इसकी पावर 10 है और इसका बेस 10 है और इसका बेस कितना है? 8 है। और अगर इसको भी कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरे फॉर्म में, तो आप अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप लिखा 2 और 3 और इसको चेंज करना चाहते हैं किस में? डेसिमल में। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 3 × 10 की पावर किस में? जीरो में। किस में? सॉरी, 8 की पावर किस में लिखेंगे? जीरो। प्लस 2 × 8 की पावर कितना? 1। कितना लिखेंगे? 8 की पावर कितना लिखेंगे? 1। तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी आपकी, तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। और ये कितने के बराबर हो जाएगा? 19 के। किसके बराबर हो जाएगा? 19 के। तो फिर से 19 आ गया। इसका मतलब जो हमने कन्वर्जन किया था वो सही था। वो कैसा था? सही था। तो इस तरह से आप कोई भी मेथड यूज करके कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है बाइनरी टू आक्टल। किसमें कन्वर्जन कर रहे हैं? बाइनरी टू आक्टल। बाइनरी टू आक्टल में कन्वर्जन करने के लिए दो मेथड है। कोई नंबर अगर डेसिमल में दिया है तो पहले उसे किस में बदल लीजिए? बाइनरी में बदल लीजिए। अब ये बाइनरी में हमने किस नंबर को बदला? 256 को। किसको बदला है? 256 को। पीछे मैंने करके आपको ये दिखाया था। अब इसमें क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी क्या होते हैं, जहां पे भी आक्टल नंबर होते हैं वहां कितने कितने के पेयर बनाते हैं? तीन तीन के जोड़े बनाते हैं। कितने कितने के जोड़े बनाते हैं? तीन तीन के जोड़े बनाते हैं। तो आप क्या करिए, तीन तीन के जोड़े बनाइए। क्या करिए? तीन तीन के जोड़े बनाइए। तो पहला जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये और तीसरा जोड़ा ये। इस वाले जोड़े का मान 0, इस वाले जोड़े का मान 0 और इस वाले जोड़े का मान कितना आया? 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया? अभी ये था 256, बढ़ के कितना हो गया? कितना हो गया ये? 256 से बढ़ करके 400। लेकिन इसकी बेस कितना है? 8। ये नंबर बड़ा था क्योंकि ये बेस 10 में था और उसमें चला गया कितना? 400। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन कर सकते हैं। किसमें कन्वर्जन कर सकते हैं? बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन कर सकते हैं।
इसी तरह बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन अगर करना है तो कितने कितने के पेयर बनाने होंगे? आपको पेयर बनाना होगा चार चार के। कितने के पेयर बनाना होगा? चार चार के। कितने का पेयर बनाना होगा? चार चार के पेयर बनाने होंगे। चार चार के पेयर बनाइए, पहला ये, दूसरा ये। पहले की वैल्यू कितनी आई? जीरो। दूसरे की वैल्यू कितनी आई? जीरो। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो पेयर बन ही नहीं रहा। जहाँ पेयर ना बन रहा हो उसके लेफ्ट साइड में जितने कम पड़ रहे हैं उनको बढ़ा दो, तो फिर कितना बच गया? इसकी वैल्यू वन, तो ये कितना हो गया? 100। अब इसकी बेस कितनी हो गई? 16। तो ये किस नंबर हो गया? 16 में हो गया। ये किस में हो गया? हेक्साडेसिमल में हो गया। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब बाइनरी से आप किस में डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो काम कठिन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज़ का कन्वर्जन कर सकते हैं। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? कोई नंबर अगर आपके पास दिया है, मान लीजिए आपके पास दिया 15, क्या दिया है? 15, और 15 को हेक्साडेसिमल में बदलना है, तो किससे भाग देंगे आप? 16 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 16 से भाग देंगे। और 16 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? जीरो बार। रिमाइंडर कितना बचेगा? 15। और 15 को मैंने क्या बताया था? क्या लिखते हैं? एफ। तो 15 को क्या लिखते हैं? एफ। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो 15 था आपका, ये किस में था? 15 बेस 10 में। अब ये किस में बदल गया? एफ। ये बदल गया बेस 16 में। ये किस में बदल गया? बेस 16 में। तो आप जिस तरह से चाहे कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड थे जो हमने आपको सिखाया कि कंप्यूटर के यूनिट क्या होते हैं, यूनिट के साथ साथ कैसे उनका कन्वर्जन होता है एक से दूसरे में। अब इसके आगे भी कुछ कन्वर्जन है, वैसे इतने ही लेवल तक का जीएस में पूछा जाता है, फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डेसिमल नंबर का कन्वर्जन भी बता दूंगा और एक नंबर से दूसरे नंबर का कन्वर्जन भी बता दूंगा। मतलब वो डबल लेवल, टू लेवल की प्रॉब्लम है, सेकेंड लेवल की प्रॉब्लम है, और वो जीएस में वैसे पूछी नहीं जाती। लेकिन ट्रिपल सी वाले, ओ लेवल वाले आप लोग इसको देख करके कर सकते हैं, ठीक है? और ये कोई उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कन्वर्जन आपको लेखपाल, वीडियो आदि के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको जब तक कॉन्सेप्ट ना समझ आए, वीडियो को रिपीट करके देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जो प्रॉब्लम ना आपको समझ में आ रही हो कमेंट करिए, मैं अगले सेशन में आपको वो सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।